वेलकम फ्रेंड, हम जो ये न्यूज लेके आए हैं आप लोग के लिए है रेलवे के जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए खुशखबरी। एक और पोस्ट पे जो है रेलवे में अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होने वाला है फ्रेंड। पहले इसमें जो है प्रमोशन के थ्रू होता था। तो देखिए डिटेल में, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है एक आया है सूचना कि रेलवे में अब टेक्नीशियन Gr-1 का जो है डायरेक्ट होगा नियुक्ति, और इसके लिए जल्द एडवर्टाइजमेंट आएगा। और क्वालिफिकेशन सैलरी डिटेल के लिए देखिए पूरा ये वीडियो, मैं आपको इसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में फ्रेंड। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड। रेलवे में अभी तक जो बहाली होती थी वो टेक्नीशियन Gr-3 की होती थी, जो कि अभी LPO और टेक्नीशियन Gr-3 आया हुआ है। आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे उसमें टेक्नीशियन Gr-3 है, लेकिन अब टेक्नीशियन Gr-1 की भी बहाली आएगी रेलवे में। ये देखिए क्या न्यूज है, पूरा डिटेल इसको पढ़ के सुनाता हूँ अब आपको। अभी तक जो है सिर्फ टेक्नीशियन Gr-3 की आती थी, और उसके बाद Gr-2 और Gr-1 में प्रमोशन होने में काफ़ी टाइम लग जाता था इसमें। और लेकिन अब जो आ रहा है वो टेक्नीशियन Gr-1 का, पहले टेक्नीशियन Gr-1 का जो पोस्ट था प्रमोशनल था, लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इसको जो है, देखिए ऑफिशियल लेटर है रेलवे का, अब कर दिया गया है जो है ये डायरेक्ट। यानी अभी इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% डायरेक्ट होगा रिक्रूटमेंट का, और 50% जो होगा वो जो है प्रमोशनल होगा फ्रेंड। तो आप देखिए इस पे क्या डिटेल है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड PUS एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट सबको भेजा गया है कि जो है अब ये होगा। तो इसमें देखिए, अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेन इन आइटम नंबर बोर्ड्स लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 26/3/2018 ऑन द एबव सब्जेक्ट वेयर इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट सिग्नल मेंटेनर Gr-1। यानी अभी जो सिग्नल मेंटेनर का वाली होता था, यानी टेक्नीशियन सिग्नल Gr-3 की होती थी, लेकिन अब Gr-1 की डायरेक्ट होगी रिक्रूटमेंट एज ए सिग्नल मेंटेनर Gr-1 लेवल हैज बीन मेंशन एज पास इन BSc। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया फ्रेंड वो ये रखा गया कि BSc जो है फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे से जो ग्रेजुएशन किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और संभवतः ये जब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी उसी के साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन फिजिक्स वाले भी भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप ये जान गए इस डिटेल में। और इसका सैलरी क्या रहेगा फ्रेंड, तो इसका सैलरी रहेगा, टेक्नीशियन सिग्नल Gr-1 है जो कि 5206 पे के अकॉर्डिंग इसका सैलरी रहेगा 5200 से 20,200, और ग्रेड पे 2800। और अभी के अकॉर्डिंग जो इसका सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेसिक पे, बेसिक सैलरी जो हो जाएगा, ये बेसिक सैलरी इसका हो जाएगा 29-30 हज़ार के आसपास हो जाएगा बेसिक सैलरी, और उस पर DA HRA अलाउंस मिला के कुल 35 से 36 हज़ार पेमेंट मिलेंगे। तो फ्रेंड ये न्यूज़ था, मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है निर्धारित कर दिया गया, ये क्वालिफिकेशन के चलते ही अटका हुआ था, अभी तक वैकेंसी नहीं आ पा रही थी। बहुत दिन पहले से ही रेलवे की तरफ से ऐसा कर दिया गया था कि अब टेक्नीशियन सिग्नल Gr-1 जो है वो डायरेक्ट वाली होगी। यही एक डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, जो कि टेक्नीशियन सिग्नल जो है Gr-3 का, Gr-1 का डायरेक्ट वाली देगा। पहले 3rd का लेता था, 3rd से प्रमोट करके 2 में, 2 से प्रमोट करके 1 में बनाया जाता था, लेकिन अब 1 का डायरेक्ट वाली होगा और Gr-2 का पोस्ट खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए जो है Gr-1 का डायरेक्ट वाली होगा। ये देखिए स्पष्ट इसमें लेटर में लिखा गया है कि अब सिग्नल मेंटेनर या टेक्नीशियन सिग्नल जिसको बोलते हैं Gr-1 का जो बहाली होगा, हैज बीन मेंशन इन पास इन BSc, यानी BSc इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया। और BSc भी किस किस सब्जेक्ट में, तो आप पूरा डिटेल देख लीजिए, BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस ट्रेड में, तो इसके लिए डायरेक्ट बहाली आएगी और इसके लिए BSc वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये जो है युवाओं के लिए खुशखबरी है, और जो भी खास करके ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए खुशखबरी है फ्रेंड। तो ये एक अच्छा न्यूज है आप लोग के लिए, और आप लोग जो है इसके तैयारी में लग जाइए, और जल्दी इसके लिए शायद हो सकता है JEE के साथ या पहले अलग से भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए। थैंक यू फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और फ्रेंड्स सबको भी बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग से फ्रेंड शिकायत रहती है, देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इतना अच्छा सा न्यूज़ हम आप लोग के लिए लाते हैं, लाइक तो बनता है बॉस आपका। और रेलवे सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड जो है पल पल की घटना के लिए हम अपडेट करेंगे आपको इस चैनल पर।